बातों की वजह से सोशल मीडिया में बहुत वायरल है। तो आज हम कोशिश करते हैं इनकी थोड़ी सी कोती जो है वो बंद करा सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आप जो है वो बहुत अगेंस्ट है मुस्लिम लीग नून के, क्या वजह? देखिए पहले मुझे बताएं, आप भी तो इतना हंसती हैं, मैंने आपको कुछ कहा कि आप इतना क्यों हंसती हैं? तो मैं बोलती हूँ तो मैं जाइस तो बोलती हूँ ना, अगेंस्ट में उनके इसलिए क्योंकि उनके अगेंस्ट होना बनता है। एक नंबर के चोर है, पूरा खानदान चोर है, अरबों की करप्शन वाले। फिर हर दफा इनको माफिया मिल जाती है, एक दफा एनआरओ, दूसरी दफा एनआरओ, कौम गरीबों के मर गई, इनकी जदादों पर जदादे बन रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग इस बात की तंकीद करते हैं कि पीटीआई वाले जो है वो बहुत मुंह फट बोलते हैं और बोलते हुए सोचते नहीं, तमीज नहीं करते, बात करते? हाँ, तो कम अज कम नून वालों की तरह नंगी तस्वीरें बना के जहाज से तो नहीं फेंक देते ना, अखबारों में तो नहीं छपवा देते ना? मतलब बेशर्म हो, हम तो सिर्फ बोलते हैं, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। तुम लोग जो जो नीच हरकतें करते रहो, क्या मैं भूल गया? नहीं, आपको नहीं लग रहा जो आजकल आप लोगों के साथ हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि आप लोगों ने वाकई बहुत ज्यादा इस तरह की बातचीत की हुई है, इस तरह के अल्फाज बोले हुए, धमकियां दी हुई है, उसका रिजल्ट है ये सब? देखिए, मैं आपको ना इसकी एक वाकया सुनाती हूँ। हम पुलिस बस के सामने से गुजर रही खड़ी हुई थी, तो अंदर से ना हमें आवाजें लगा रहे थे, हाय हाय ओ हाय माशाल्लाह, ठीक है। हम आगे आए तो आगे आके हमने कहा कुछ तमीज नहीं सिखाई हुई जी, कहता जी कहाँ से रोज आ जाती है ये, लड़ने लग जाती है फिर आके, और जब बदतमीजी करोगे तो हम ये कोई थोड़ी कहेंगे कि आहा अंकल बड़ा अच्छा खेड़ा हमें, हम आगे से तुम्हें गालियां निकालेंगे ना। तो फिर आगे से कहता ये तो बड़ी बदतमीज है, इनकी जुबान चलती है। भाई क्या करे फिर तुम्हें अब, मतलब ये क्या जवाब हुआ? जब हमसे उल्टा सवाल करोगे तो जवाब उल्टा ही देंगे ना, सीधा तो नहीं दे सकते। पीटीआई को इतनी खूबसूरत लड़कियां सपोर्ट करती है आपकी तरह, तो पुलिस वाले इनकी भी फिर कंट्रोल करते हैं या बचत कर देते? नहीं, वो चतुरोल करके तो देखे ना जरा, वो नहीं, हमारे माशाल्लाह जो यहाँ पे भाई हजरात हैं वो बारी नहीं आने देते, वो बेचारे खुद मारे खा लेते और कुटते भी हैं, लेकिन जिस दिन हमें इन्होंने मारना शुरू किया ना, यकीन करें उस दिन इनको नहीं पता चलेगा खूबसूरती क्या और वो बर्गर क्या और वो क्या। मैं तो कहती हूँ मुझे जिस दिन किसी ने हाथ लगाया ना, तो ये जो आज फरमाया गया ना कि हमें हाथ लगाया हम हाथ तोड़ देंगे, मुझे तुम हाथ पर लगाओ जरा, मैंने क्या कहना तोड़ा ना याद रखो। अगर आपने मरना है तो फिर मार के मरो, अगर हमने मार खानी है तो फिर मैं उनको कहना चाहूंगी आप हमारे हाथ तोड़ेंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे अंकल ये ले तोड़ ले, फिर जो हमसे हो सकेगा फिर वो भी हम करेंगे। अभी तो आप शुक्र करें हमारे लीडर ने कहा पूरा अमन रहो, वरना आपको बहुत अच्छी तरह बताते हाथ कैसे टूटते हैं। पूरा अमन रहते भी आप लोगों की इतनी जुबान चलती है, तो अगर पूरा अमन नहीं होएंगे तो क्या करेंगे? पूरा अमन रहते हैं इसलिए सिर्फ जुबान चला के आपको गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमने हाथ पर हाथ चलाने शुरू किया ना, उस दिन आपको पता चलेगा हाथ टूटते कैसे हैं। इस तरह की आप बेबाक गुफ्तगू करती है, आपको कभी कोई मुस्लिम लीग नून वाला नहीं मिला? बेचारा मिलता भी होगा तो मुझे देख के मुकर जाते हैं कि मैं हम नून लीग वाले हैं ही। वो कहते हैं अभी हमने सोचा ही नहीं, अभी हमने फैसला ही नहीं किया, अभी हम देखेंगे हमने किसको वोट डालना। मुझे बताएं, आप भी एक लड़की है, मरियम नवाज के बारे में जब आप बात करती है वो भी एक लड़की है, आपको एहसास नहीं होता? वो लड़की कहाँ से है, खुदा का खौफ करे, क्यामत की पहली सारी निशानी ऑलमोस्ट पूरी है, आपने उसको भी लड़की बना दी है, मतलब खुदा का खौफ करे। देखिए शुरुआत उन्होंने की है, पहले उनके वालिद साहब ये काम करते थे औरतों को टारगेट करना, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पीछे पड़े रहते थे। अब बेटी चलो बाप तो तुम्हारा मरता उसको शर्म नहीं थी, तुम तो औरत हो, औरतों के पीछे पड़ी रहती हूँ सारा दिन कि जी मैं बड़ी सही घर की हूँ, मैं लगा जगह जगह लूट लूट फिरती हूँ, मगर मैं फिर भी आवारा नहीं हूँ। जो आम औरतें यहाँ पे जमान पाक आ जाती हैं वो बड़ी आवारा है, भाई ये कौन सी नई साई साई है कोई? मुझे बताया कि एक औरत है मरियम नवाज और चौकों पे इस तरह नारेबाजी करना, मरियम के पापा चोर है और ये वो, ये जेबा देती है बस? तो मरियम के पापा चोरियां करना जेब देती थी, मतलब चोरी की, अपने घर की मनी ट्रेल नहीं दे सके, अपने घर की रसीदें नहीं दे सके, उसको क्या हाजी साहब कहें, चोरी कहेंगे और क्या कहें? मरियम नवाज की हुई एक अहम बुराई जो है वो बता। बुराई उसकी है कि वो पूरी डाइन है, कैसे वो आके बैठ के पक्का मुंह बना के झूठ बोलती है, इतना पक्का मुंह बना के कोई कैसे, उसको खुद भी हंसी नहीं आती, मतलब जैसे आप हंसती जा रही है बात नॉर्मल करते हुए, वो इतना सीरियस मुंह बना के झूठ बोलती है, मजाल है एक बार हंस पड़े। उन्होंने फ्राई पैन वाला बात बताई थी वो क्या? मैं कहती हूँ जिसने इंटरव्यू लिया उसको सलाम है कि उसको हंसी ना आई कि मैं फ्राई पैन, अभी आप देखे बाथरूम मैंने साफ, मतलब तुम्हारी टैलेंट ये था कि तू बाथरूम बड़ा अच्छा चमका लेती है, तुम्हारी शर्म करो, तुम्हारी बाजी का टैलेंट ये है कि बाथरूम चमका लेती है बहुत अच्छा। मुझे बताया इतनी ज्यादा शेलिंग होती है, इतने ज्यादा जो है वो जुलम किया जाता है पीटीआई वालों पे, पीटीआई की लड़कियों के मेकअप नहीं खराब होते, इसकी क्या वजह? क्योंकि पीटीआई की लड़कियां खूबसूरत है ना, आप लोग जले जितने मर्जी, हम बगैर सर्जरियों के खूबसूरत है, नानी की तरह हमने करोड़ों नहीं लगाए हुए अपने मुंह के ऊपर। अच्छा मुझे बताया एक बंदे की वजह से जो है इतने ज्यादा कारकुनान जो है वो जख्मी होते हैं, शहीद भी हो रहे, सारा कुछ हो रहा है, तो आपको लगता है ये जायज है? वो एक बंदा नहीं है, वो एक उम्मीद है हमारी, वो हमारा मुस्तकबिल है, वो हमारा लीडर है, वो जान है हमारी, हमें ना उसमें उम्मीद है कि ये जो है ना ये हमें बचा लेगा। तो जब आपकी उम्मीद होती है ना आपके सामने, इंसान के पास क्या है,
इंसान के पास सिर्फ उम्मीद है जिसके सहारे वो जिंदा रहता है। अल्लाह ने कहा कि आप उम्मीद कभी ना छोड़ें, तो इमरान खान जो है ना वो हमारी उम्मीद है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं? उसको छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। मुझे बताए कब्बे खा के आती है जब भी आप बात करते हैं। देखिए औरतों का काम है बोलना। आपकी तरह से मस्ती थोड़ी आती है, औरतें बोलती भी है, औरतों का काम है। ये मौरंग साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी अपनी बाजी से थोड़े पैसे लेके नाक की सर्जरी तो करा ले यार। मतलब इतनी मोटी नाक खुल, उसको मजीद खुला के आके बैठ जाती है, ऐसे कर करके बोलती है, ऐसे 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 करके। मतलब कोई शर्म कर ले, बच्चे डर जाते हैं यार अचानक देख के। शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहना है? वो छोटा सा है, पता नहीं आजकल किधर है, नजर ही नहीं आता। कहीं जाता है तो वहाँ पे नजर नहीं आता, बस जब फोटो हो रही होती है ना तो पाँव ऊंचे कर लिया कर, वो नजर तो आए भाई। नवाज शरीफ के बारे में क्या? वापस आजा बेशरम, तेरे भाई की हुकूमत है, वापस आजा गेंडे, तुझे आलू गोश्त खिलाएंगे। वो कौन है? वो कौन है? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब महंगाई बहुत होगी, आजकल नजर नहीं आ रहे महंगाई मुकाओ, कोई मार्च नहीं हो रहा। और वो जो औरत की हुकूमत जायज नहीं थी, हलाल हराम वाले, वो फतवे नहीं आ रहे आजकल आप। बिलावल भुट्टो के बारे में एक लाइन, वो जब से किराए का रेंटा भुट्टो आया है वो नजर ही नहीं आता। मतलब ठीक है आपने कोई काबिलियत ना, उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आपने छुप ही जाना होता है, आपका आजकल नजर ही नहीं आते भाई। घरों के दरवाजे दीवारें टूट गए, दरवाजे टूट गए, वो कहाँ है? वो इतने बगैर रहते हैं आप, इतने बगैर रहते हैं आप, वो कितने बगैर रहते हैं आप, किधर होते हैं आजकल? आसिफ जरदारी साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं आजकल पीटीआई के कारकुनानों की हालत पे, उन्हें क्या कहना चाहिए? वो आसिफ जरदारी के पास परफॉर्मेंस दिखाने के लिए है नहीं, उनके दो खरगोश जैसे दांत ही है, वो ही निकाल के आते दिखाते रहते हैं 24 घंटे बाद, ऐसे ऐसे करके हंसते रहते हैं बस पागलों की तरह। इमरान खान को यू टर्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पागल नहीं ना है कि अगर किसी से पता चलेगा कि खतरा हो गएगा, लेकिन मैंने क्योंकि कह दी मैं दीवार में टक्कर मारूंगा। भैया एक मुसलमान है, अपनी गलती होती है, वो गलती मानता है, वो कहता है भाई आगे दीवार में मैं टक्कर नहीं मार दूंगा, मैं मुड़ जाऊंगा। रमजान आ रहा है, पीडीएम वालों को बंद होना चाहिए या नहीं? वो शैतान तो बंद होता है, तो इनको भी जरूर बंद होना चाहिए 30 दिन के लिए। स्पेशली वो मरियम औरंगजेब, वो तो मोटी नाक खुला के टीवी पे नजर नहीं आनी चाहिए ना, वो आता ताड़, वो टक्कर आके करता टीवी पे, कदर मनहूस लगता है वो। मतलब उसको गाली देते हुए भी शर्म आती है कि दाढ़ी की इज्जत नहीं रहने दी उसने कोई। राणा सनाउल्लाह ने इतना तंग किया, उन्होंने क्या कहा? बेचारा फालतू सा आदमी है, उसको कहाँ ला के बिठा दिया, उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही मैंने करना क्या। रोज एक धमकी लगाता है, फिर आके कहते हैं मैं 10 मिनट में गिरफ्तार करने लगा हूँ, फिर उनको कुट के उसके सारे लोगों को भगा देते हैं, वो फिर आ जाता है, मैं अगले दिन 10 मिनट में गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। एक बयान दिया था कि इमरान खान जो बलंग के नीचे छुपे हुए इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे। उस बलंग के नीचे राणा साहब की बाजी भी थी साथ, आपको किसने बताया? मतलब ऐसी बकवास सब करते हैं, फिर आप आगे से कहते हैं बदतमीज है राणा साहब, पहले ये बताएं आपको पता कैसे चला पलंग के नीचे था वो? आप साथ हैं। जिस सनम का जो पारा है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, इस इंटरव्यू को हम यहीं बंद करते हैं, वरना कुछ और इनके मुंह से जो अल्फाज निकल आएंगे, उम्मीद आपको सनम की बातें जो है पसंद आई होगी। अगली सुबह मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।